नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और भारत की खोजों की इस वीडियो में दोस्तों, भारत ने बहुत ही विशेष खोजें की हैं, बहुत ही बड़ी बड़ी खोजें की हैं। उन सभी खोजों के विषय में हम आपको बताने वाले हैं और इन खोजों के विषय में जानकर आप भी गर्व से जय हिंद का कमेंट अवश्य ही करेंगे, क्योंकि भारत की इन महान खोजों के बिना जीवन बिल्कुल असंभव है। क्योंकि भारत की इन खोजों ने विश्व भर में नाम कमाया है और विश्व भर की टेक्नोलॉजी को संपूर्ण रूप से बदल दिया था। भारत के बुद्धि और कौशल पर आपको बहुत गर्व होगा और आप भी अपने देश पर गर्व महसूस करेंगे, ऐसी ये खोजें हैं। तो सबसे पहले भारत की कुछ खोजों को हम बताते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे पीसफुली रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन की घंटी को अवश्य ही दबा लें, ताकि जब भी नई और लेटेस्ट वीडियो आए तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप ही को मिले। दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी खोज है दशमलव और शून्य की खोज। दोस्तों, दशमलव और शून्य का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है गणित विषय में। और दोस्तों, दशमलव और जीरो की महान खोज आर्यभट्ट ने की थी, जो भारत से रिलेटिव थे। तो इस प्रकार से दशमलव और जीरो की खोज का पूरा श्रेय भारत को जाता है। इसके बाद एक बहुत ही बड़ा बुद्धि और कौशल का सबूत भारत ने दिया है, जो खोज करके भारत ने साबित भी कर दिया है, वो है शतरंज का खेल। जो सबसे ज़्यादा बुद्धि और कौशल का खेल होता है वो शतरंज का खेल होता है। इस खेल का आविष्कार भी भारत में ही हुआ था। छठी शताब्दी में ये भारत में खोजा गया सबसे महत्वपूर्ण गेम था और यह 15वीं शताब्दी तक यूरोप में चला गया था। 15वीं शताब्दी के पश्चात यह संपूर्ण विश्व में फैल जाने वाला सबसे अनोखा खेल बना। वायरलेस संचार की खोज भी भारत में ही हुई थी। यह कहा जाता है कि निकोलस ने यह खोज सबसे पहले की थी, लेकिन यह बिल्कुल झूठ है। यह खोज भारत में जेसी बसु ने की थी, जो कोलकाता के रिलेटिव हैं, और उन्होंने रेडियो तरंगों के माध्यम से सबूत भी दिया कि इस प्रकार की तरंगे होती हैं और वायरलेस संदेश भेजे जा सकते हैं। और मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी की ऐसी सभ्यताएं हैं जिसमें बहुत ही बड़ी बड़ी रहस्यमय चीज़ें मिली हैं, जो अन्य कहीं पर भी धरती पर नहीं मिली हैं। सबसे अधिक पुरानी चीज़ें हमें मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी सभ्यताओं से ही मिली हैं। अनेक प्रकार के बर्तन, सोने चांदी की चीज़ें और अनेक प्रकार के गहने और अनेक प्रकार के हीरे और जवाहरात भी सिंधु घाटी और मोहनजोदड़ो की सभ्यताओं से मिले हैं, जो भारत से ही रिलेटेड हैं और भारत के कारण ही वो अस्तित्व में आए हैं। और दोस्तों, भारत की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक में इसरो ने भी बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई है। इसरो जैसी स्पेस एजेंसी ने चांद पर पानी खोजने में बहुत ही बड़ा सफलता प्राप्त की है, जो विश्व भर में सबसे प्रसिद्ध खोज मानी जाती है। दोस्तों, इसरो आज भी अनेक प्रकार के कारनामे चंद्रयान 2 के माध्यम से रच रहा है और चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट पर भी इसरो काम कर रहा है। मंगल पर भी अपनी अनेक प्रकार की चीज़ें इसरो भेज चुका है, लेकिन मंगल की बजाय चंद्रमा से बहुत ही ज़्यादा बड़ा खजाना मिलने के सबूत इसरो को मिले हैं। दोस्तों, सबसे पहले चांद पर पानी खोजने वाला देश और कोई नहीं, भारत ही है। इसरो ने यह सबसे पहले सबूत दिए कि चांद पर पानी के अंश हैं, और इसरो ने चांद पर यह भी बताया कि वहां पर अनेक प्रकार के बर्फ़ के क्रिस्टल्स भी हैं, जिनके माध्यम से ही हमें पानी प्राप्त हुआ है। दोस्तों, चंद्रयान 2 के माध्यम से इसरो को यह भी जानकारी मिली है कि चांद पर अनेक प्रकार के जीव भी प्राचीन काल में रहे हैं और वो अनेक प्रकार की गतिविधियां चांद पर करते थे। और दोस्तों, चंद्रयान ने बहुत से पर्दे चांद की सतह से उठाए हैं और चांद की अनेक प्रकार की अनोखी तस्वीरें विश्व को दी हैं। और दोस्तों, चंद्रयान 2 की और भी अनेक खोजों की बात करें तो चंद्रयान 2 को बहुत से एलियंस होने का भी दावा प्रकट किया है कि यहाँ पर कुछ समय पहले ही बहुत से एलियंस होते थे चंद्रमा की सतह पर, और जीवन होने का भी दावा प्रकट किया है। ढेर सारा पानी और अनेक प्रकार के अवशेष और अनेक प्रकार के ऐसी चीज़ें जो जीवित जीवन से संबंध रखती हैं, उन्हीं चीज़ों के कारण ही चंद्रयान 2 ने दावा प्रकट किया है, जो प्राचीन समय में यहाँ पर जीवन होने के
साफ साफ संकेत देते हैं। चंद्रयान 2 ने ऐसी भी अनेक प्रकार की खोजें की हैं जो यहाँ पर बहुत सा धन होने का दावा प्रकट करती हैं। दोस्तों, चंद्रमा की सतह के नीचे यूरेनियम जैसी बहुत ही एनर्जेटिक चीज़ होने का भी दावा प्रकट किया है, जहाँ पर यूरेनियम के कारण बहुत सी विद्युत पैदा की जा सकती है और देश की सभ्यता को बहुत ही बड़ी तरक्की दे सकती है। और दोस्तों, हीलियम 3 होने का भी चंद्रमा पर बहुत ही बड़ा संकेत है। दोस्तों, जिस स्थान पर चंद्रयान 2 लैंड हुआ था, उस स्थान पर हीलियम 3 भी मिलने के बहुत ही बड़े संकेत चंद्रयान 2 ने प्रकट किए हैं। चंद्रयान 2 में यह मिशन कुछ अधूरा रह गया था, लेकिन चंद्रयान 2 इन बहुत से मिशंस को संपूर्ण रूप से सफल कर देने वाला है। दोस्तों, चंद्रयान 2 की इसी सफलता के कारण ही जय हिंद और जय इसरो का कमेंट आप अवश्य ही नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें, क्योंकि इसरो और चंद्रयान 2 बहुत ही बड़ी मेहनत आपके लिए कर रहा है, दिन रात मेहनत आपके लिए कर रहा है। तो प्लीज़ आप अपने देश के लिए, इसरो के लिए, चंद्रयान 2 के लिए एक जय हिंद का कमेंट ज़रूर कीजिए। दोस्तों, इसके साथ साथ भारत ने और भी अनेक प्रकार की खोजें की हैं जो बहुत ही दिल दहला देने वाली हैं। ऐसी ऐसी खोजें भारत ने की हैं जो भारत अगर उनकी खोज न करता तो दुनिया में तरक्की करना बहुत ही असंभव था। दोस्तों, भारत ने ऐसी विचित्र चीज़ों का आविष्कार किया है जो कल्पना भी नहीं की जा सकती। भारत को बहुत ही विचित्र विचित्र चीज़ें मिली हैं, जो भूमिगत भी मिली हैं और आसमान से भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिली हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि अनेक प्रकार की अजीबोगरीब चीज़ें भारत को खोज में आई हैं, और भारत अगर इनकी खोज न करता तो इनका अस्तित्व धरती पर बिल्कुल भी नहीं था। भारत को अनेक प्रकार की सफलताएं मिली हैं और इसरो के साथ साथ अनेक प्रकार के लोगों ने भी भारत की मदद की है इन खोजों को करने के लिए। दोस्तों, ऐसी खोजें हैं जिनके कारण नासा और अमेरिका स्पेसएक्स एजेंसीज भी चकरा गई हैं, जो ब्रह्मांड में इसरो ने खोजें की हैं। इसरो के साथ साथ अनेक प्रकार की खोजें नासा ने भी मिलकर की हैं, लेकिन इसरो ने अधिक ज़्यादा खोजें की हैं भारत के लिए। और दोस्तों, बहुत ही अनेक प्रकार की विशेष खोजों का डाटा जब इसरो ने नासा और स्पेसएक्स एजेंसीज को दिया है तो उनका भी सर चकरा गया है कि इस प्रकार की खोजें कैसे इसरो कर सकता है और इतने कम बजट में कैसे पॉसिबल है। तो इसी कारण से इसरो का साख बहुत ही बढ़ चुका है और नासा और स्पेसएक्स जैसी एजेंसीज भी इसरो के साथ इन्वेस्ट करने में अभी नहीं कतरा रही हैं। इसके कारण ही इसरो का नाम महान हो गया है और भारत के लिए ये बहुत ही बड़ी गौरव की बात है। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही रोचक जानकारियों के साथ। तो आपसे विनम्र प्रार्थना है, अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप नोटिफिकेशन की घंटी ज़रूर दबा लें, ताकि ऐसी रोचक वीडियो अगली बार आते ही आपको सबसे पहले उसकी जानकारी मिल जाए। तो इस वीडियो पर आने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर। और जाते जाते एक कमेंट जय हिंद का लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम, आप और इसरो इस देश के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो जय हिंद, जय भारत।